सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मोहित और आप देख रहे हो टेक मोहित। में इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पीसी बिल्ड के बारे में, जो कि हम करने जा रहे हैं 20,000 के बजट में। तो ये बहुत ही बजट पीसी बिल्ड है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दे। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, हमें हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसमें जो कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं वो सभी कंपोनेंट्स आपको ऑफलाइन बाय करने हैं। ऑनलाइन आपको कोई कंपोनेंट बाय नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो आपको महंगे पड़ेंगे। इसलिए सारे कंपोनेंट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑफलाइन जाके लें। वहाँ पर आपको एक अच्छी सी बार्गेनिंग मिल जाएगा और आप वहाँ पर एक डिस्काउंट भी पा सकते हैं। सो फ्रेंड, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट हमने इसमें लिया है वो है हमारा प्रोसेसर। जो प्रोसेसर हमने लिया है वो है AMD की तरफ से आने वाला ryzen 3 1200G, जो कि आपको मिल जाता है इजीली 5,000 रुपीज़ का। इसे आप बाय कर सकते हैं। और इसकी जो बूस्ट क्लॉक है वो है 3.4 GHz की, और इसकी जो बेस क्लॉक है वो है 3.1 GHz की। ये एक 2 क्वाड कोर प्रोसेसर है जिसमें आपको 4 कोर 4 थ्रेड मिलते हैं। तो इसे हम इस पीसी बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारी रैम। तो हमने रैम ली है क्रूशियल की 8GB DDR4, 2400 MHz पर क्लॉक्ड है। और इसका जो प्राइस मिल जाता है आपको ऑफलाइन मार्केट में वो मिल जाता है 2600 रुपये का। आप इजीली उसे वहां से बाय कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी रैम रहेगी हमारी साहब की पीसी बिल्ड के लिए, और ये बहुत ही अच्छे से हमारे मदरबोर्ड के साथ कंपेटेबल है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, तो वो है हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में हमने एक बेसिक सा मदरबोर्ड चूज़ किया है, क्योंकि हमारा बजट इतना नहीं था। तो जो हमने मदरबोर्ड लिया है वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला A320M H2S मदरबोर्ड, जो कि AM4 सॉकेट के साथ आता है। इसमें आपको एक HDMI मिलता है और एक 3.0 का पोर्ट मिल जाता है, USB 3.0 का। और इसकी जो प्राइस है वो मिलती है आपको 3,600 रुपीज़। आप इसे ऑफलाइन बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे मदरबोर्ड है हमारे प्रोसेसर के लिए, और ये एक बेसिक मदरबोर्ड है, कोई हाई एंड मदरबोर्ड नहीं है हमारे पीसी बिल्ड के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर स्टोरेज की बात करूँ तो मैं इसमें दोनों चीज़ यूज़ की है मैंने, SSD और हार्ड ड्राइव भी मैंने यूज़ की है। तो अगर SSD की बात करें तो हमने SSD ली है, वो आती है गीगाबाइट की तरफ से 120 GB की SSD, जो आपकी आपको इजीली मिल जाएगी 1500 रुपीज़ की ऑफलाइन मार्केट में। तो इजीली आप उसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, तो हमने इसमें 320 GB की एक HDD भी लगाई है, एक हार्ड ड्राइव जो कि 7200 RPM पे चल रोटेट होती है। और इसका जो प्राइस ऑफलाइन मार्केट में वो आपको मिल जाता है 1000 रुपीज़। आप इसे इजीली वहाँ से बाय कर सकते हैं, आपको इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको इस पर वारंटी और गारंटी दोनों मिलती है। सो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि एक बहुत गेमिंग बिल्ड है, तो उसी हिसाब से हम इसमें कैबिनेट बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपके मूड पे डिपेंड है कि आप किस तरीके का कैबिनेट लेना चाहते हैं। आप परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहते हैं कि कैबिनेट के लुक्स पे, तो कैबिनेट का ध्यान देते हुए मैंने इसमें जो कैबिनेट लिया है वो आता है एनटेक की तरफ से, एनटेक का NX200, जो कि आपको मिल जाता है इजिली 2600 रुपीज़ का। और इसमें आपको एक USB 3.0 मिलती है, और USB 2.0 का भी आपको इसमें पोर्ट मिल जाता है, और रीसेट और कुछ बटन आपको इसमें मिल जाते हैं। तो आप इसे इजिली बाय कर सकते हैं 2600 रुपये का, या उससे भी कम। वो आपके डिपेंड है कि आप कहाँ रहते हैं और कौन से स्टोर से आप इसे बाय करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे उस कंपोनेंट के बारे में जो हमारे सारे कंपोनेंट्स को, हमारे कैबिनेट, हमारे रैम, मदरबोर्ड, हर चीज़ को पावर देगा। तो इस चीज़ के लिए हमने जो यूज़ किया है पावर सप्लाई, वो आती है हमारी आई बॉल की तरफ से। एक बहुत ही अच्छी पावर सप्लाई है, जिसका नाम है आई बॉल मैथन 500 वॉट पीक पावर सप्लाई, जो कि बहुत ही अच्छी पावर सप्लाई है। इसमें आपको ब्लैक केबल्स मिल जाती है ब्रेडेड, और बहुत ही अच्छे प्राइस पे आती है। जिसका प्राइस आपको मिल जाता है ऑफलाइन स्टोर पे, वो मिल जाता है 1600 रुपये से लेके 1800 रुपये तक। वो डिपेंड है कि आप किस स्टेट में रहते हैं, कौन सी मार्केट आप इसे बाय करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो कि एक गेमिंग पीसी में मेन होता है। तो वो है हमारा GPU। तो GPU हमने लिया है GTX 750 Ti, 2 GB का GDDR5 की मेमोरी पे आता है, और ये आपको इजीली मिल जाएगा 4000 रुपीज़ का। आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं अली एक्सप्रेस से, या तो ओएलएक्स पे आप इसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोज़ पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अगर आपका कोई भी क्वायरी है तो हमारी वीडियो पर आप कमेंट